तो मेरे भाई अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक कर ही लियो तो आप लोग को 100% इंस्टाग्राम ग्लोइंग लोगो फोटो एडिटिंग सीखनी है। और इस तरह का इंस्टाग्राम लोगो फोटो एडिटिंग करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यार फोटो कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है। और मैं बता दूं कि बहुत सारे भाई कमेंट भी कर रहे थे मुझे कि भाई एक अच्छा सा इंस्टाग्राम लोगो फोटो एडिटिंग सिखाओ। तो अगर आप लोग इस तरह का एडिटिंग अपने फोटो पे करके सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे तो यार सोशल मीडिया पे आप लोग तहलका मचा सकते हो। इससे पहले क्या करना होगा, आप लोग को ये एडिटिंग सीखना बहुत ही जरूरी है। तो यदि आप लोग इस तरह का एडिटिंग सीखना चाहते हो तो प्लीज आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करें, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो अच्छे तरह से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है भाई। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग को एडिटिंग पसंद आए उसके बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते आप लोग को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले अपने फोन में पिकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे आप लोग को प्लस का ऑप्शन मिल जाता है और प्लस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सबसे ऊपर एडिट ए फोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से क्या करना होगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे तो आप लोग को बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है सबसे ऊपर कोने में, तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से सबसे ऊपर में आप लोग को मिल जाता है बहुत सारा कलर, लेकिन यहाँ से हम ले लेंगे ब्लैक कलर को, ठीक है। तो यहाँ से ब्लैक कलर को सबसे पहले ऐड कर लेंगे यहाँ पे पिकार्ट एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले काम करना है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को सबसे कोने में यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे साइज को सिलेक्ट कर लेना है 3.4 साइज को, ठीक है। तो ये साइज को सिलेक्ट करके सिंपली ऊपर डन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से इसको कर देंगे डन, ठीक है। और इतना काम कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड अभी कुछ इस तरह से अभी रेडी कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को दोबारा काम करना है, ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है। और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को मैं PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से आगे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम लोगो वाला PNG को ऐड कर लेंगे इस बैकग्राउंड पे, ठीक है, ब्लैक पर्दा पे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको साइज को एडजस्ट कर लीजिएगा जूम करके, और साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा, जैसे कि जिस तरह का आपका फोटो हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम साइज को कुछ इस तरह से रख देते हैं एकदम आराम आराम से, और साइज को रखने के बाद आप लोग को कर देना है यहाँ से डन, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड पे ये PNG ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, और एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, इस बार क्या करना है, एक लाइट PNG को ऐड करेंगे, जो कि उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है भाई। तो लाइट PNG को हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, साइज को हल्का बड़ा करेंगे, और साइज को बड़ा करने के बाद नीचे आप लोग को आना है, और यहाँ पर मिल जाता है आप लोग को ब्लेंड वाले ऑप्शन, तो इसको कर देंगे स्किन, तो PNG में जो ब्लैक होगा वो हट जाएगा। और इसको साइज को बड़ा करके क्या करना है कि इंस्टाग्राम का जो लोगो PNG है उसके साइड साइड में कुछ इस तरह से रख देंगे, जैसे कि लाइट यानी ग्लो करेगा, ठीक है भाई। उसके बाद फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और कर देना है डुप्लीकेट, ठीक है, और इसको दूसरी तरफ रख देना है। तो ये रखने ये करने के बाद क्या होगा कि लाइट जो होगा इंस्टाग्राम में वो ग्लो आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर से डुप्लीकेट करेंगे और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे साइड में रख देंगे, और नीचे साइड में रखने के बाद फिर से डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से डुप्लीकेट वाले ऑप्शन से फिर से इसका डुप्लीकेट करेंगे और इसको ऊपर वाले साइड में रख देंगे, ठीक है। तो इतना काम कर लेने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे इंस्टाग्राम PNG में भी लाइट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कर देना है यहाँ से डन, और यहाँ पे डन डन कर देना है, ठीक है भाई। और डन करने के बाद देख सकते हो कि इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद बारी आती है मॉडल की फ़ोटो एड करने के लिए, ठीक है। तो उससे पहले मॉडल के फोटो जो है उसका बैकग्राउंड हमको रिमूव करना होगा एकदम अच्छे तरह से, जो कि पिकार्ट एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और क्वालिटी ख़राब हो जाता है, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, हम एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने लगे जिसका नाम है एडोब एक्सप्रेस, तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप लोग को यहाँ पे 3 स्टार का ऑप्शन मिल जाता है, और मैं बता दूँ कि डाटा ऑन रहना चाहिए, तो आप लोग को यहाँ पे 3 स्टार का ये रहा ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को कोने में मिल जाता है रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग ध्यान से देखते रहे, यहाँ पे भी आप लोग को एड इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप लोग को जो भी फोटो को एडिट करनी होगी वो फोटो को गैलरी से ले लेंगे और यहाँ पे एडोब एक्सप्रेस में इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ से जो फोटो का क्वालिटी मिलेगा बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद भी, यार बहुत ही गजब क्वालिटी मिलता है, ठीक है। तो जो फोटो को हम एडिट कर रहे हैं वो फोटो को यहाँ पे सिंपली ले लेते हैं, ठीक है भाई। और लेने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर डाटा ऑन मतलब नेट आपका फास्ट रहेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेंगे, और वेट करने के बाद देख सकते हो कि बैकग्राउंड यहाँ पे एक ही क्लिक में एकदम अच्छे तरह से रिमूव होकर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे इस फोटो करेंगे गैलरी में सेव, तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड आ जाएगा, तो इसको बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद ऊपर आप लोग को डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो फोटो यार जो होगा ये बैकग्राउंड रिमूव होकर एकदम बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा, जरा सा भी क्वालिटी लॉस नहीं होगा इस एप्लीकेशन में, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को
बैक चले आना है पिकार्ट एप्लीकेशन में जहाँ पे आप लोग काम कर रहे थे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पिकार्ट एप्लीकेशन में आ गए हैं और यहाँ पे क्या करना है आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे एड फोटो वाले ऑप्शन पे फिर से जाना है आप लोग को। तो यहाँ पे एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अभी जो मॉडल यानी हमारा जो फोटो है उसको यहाँ पे एड करेंगे, ठीक है, जो बैकग्राउंड रिमूव किया होगा वो वाला फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस मॉडल को कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे, साइज को एडजस्ट कर लेंगे अपने फोटो को। और यहाँ पे कुछ इस तरह से साइज मतलब परफेक्ट रहना चाहिए, साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फोटो अच्छा नहीं दिखेगा उतना। तो यहाँ पे साइज को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग आराम आराम से करते तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जल्दीबाजी में काम अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है। इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यहाँ से भी इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, हार्डनेस को पूरा माइनस कर देंगे और यहाँ पे ओपासिटी कर देंगे 72 और साइज को पूरा कर देंगे 100। अगर ये चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आती रहती है कभी कभी तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन मार लिया कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद नीचे साइड से कुछ इस तरह से फिंगर की मदद से इरेज कर देंगे, ठीक है भाई। और इतना काम कर लेने के बाद आप लोग को ऊपर कोने में मिल जाता है डन का ऑप्शन, तो यहाँ से इसको कर देंगे डन। और डन करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पे मिल जाता है डन का ऑप्शन, तो यहाँ से भी इसको कर देंगे डन, ठीक है भाई। और इतना काम कर लिया है और इसमें क्या करना है फिर से पीएनजी को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस बार क्या करेंगे आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ पे। तो इस बार भी हम लाइट पीएनजी को ऐड करेंगे, तो लाइट पीएनजी को ऐड कर लेंगे और नीचे आप लोग को ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाके फिर से कर देना है इसको स्किन, ठीक है, और स्किन कर देंगे। और साइज थोड़ा इसका लंबा है तो इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे पकड़ के। और इसको क्या करना है अपने बाल के साइड जहाँ पे इंस्टाग्राम ग्लोइंग मतलब जहाँ पे इंस्टाग्राम ग्लो करे वहाँ पे रख देना है। फिर से आप लोग को लेयर वाले क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना है और इसको दूसरे बाल के साइड में रख देना है, ऐसा कि पता लगे कि पीछे से लाइट आ रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर से आप लोग को डुप्लीकेट करना है और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि बॉडी के पास भी यहाँ पे इंस्टाग्राम का पीएनजी आ चुका है, तो वहाँ पे भी रख देंगे और दूसरे बॉडी के साइड में भी रख देंगे, ठीक है। तो इतना काम करना नहीं भूलिएगा, ये करने से आप लोग के फोटो में रियलिस्टिक पता चलता है, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग कर देना है डन और डन करने के बाद फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है। और एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इस बार क्या करेंगे हम ये जो स्नो टाइप का पीएनजी है वाइट लाइट इसको ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिएगा और फुल साइज जूम कर लीजिएगा और जूम करने के बाद आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ पे ओपेसिटी 100 है तो इसको माइनस कर देंगे थोड़ा मतलब थोड़ा कम कर देंगे यहाँ पे 76% के राउंड। और इतना कम करने के बाद आप लोग को फिर से जाना है ब्लेंड वाले ऑप्शन पे और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से इसको कर देंगे स्किन और यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है फोटो अब। उसके बाद यहाँ पे फिर से इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ये जो पीएनजी अभी ऐड किया अगर फेस पे वो आ जाता है तो इसको यहाँ से हम फिंगर के मदद से इरेज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस फोटो में फेस पे नहीं आया तो कोई बात नहीं, रहने देंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या करना है आप लोग को फिर से कर देना है यहाँ से डन। और अब तक इतना काम हो चुका है कि फोटो अभी ही कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, उसके बाद आप यहाँ से भी कर देंगे डन। और इतना काम कर लेने के बाद आप लोग को एक काम और करना है, फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है और एक पीएनजी है इंस्टा मॉडल का तो वो पीएनजी को ऐड कीजिएगा तो यार फोटो और भी ज़्यादा बवाल दिखेगा, ठीक है। तो पीएनजी को ऐड करके फिर से ब्लेंड वाले मोड पे जाएंगे और स्कैन कर देंगे, ठीक है, और साइज को कुछ इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा और नीचे साइड में कुछ इस तरह से इसको रख देंगे एकदम एडजस्ट करके, साइज को भी एडजस्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा भी बड़ा नहीं रखना है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से नीचे साइड में लगा देंगे तो फोटो यार और बवाल दिखने लगेगा हमारा जो फोटो होगा वो। उसके बाद इतना काम कर लेने के बाद कर देना आप लोग को डन। और डन करने के बाद देख सकते हो फाइनली यहाँ पे एडिटिंग हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट। और यार इस तरह का फोटो एडिटिंग करना कितना आसान था और इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के बाद कितना ही बवाल दिख रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है आप लोग को इस फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए आप लोग को डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटो एकदम बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार एडिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।